सियासत के रंग ने भड़काया टोल टैक्स का मुद्दा। नेताओं की बयानबाजी के कारण आई तोड़फोड़ की नौबत। टोल कंपनी के डीजीएम ने सांसद अश्विनी चोपड़ा के बयान को बताया भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना। टोल अधिकारियों का आरोप नेताओं के वक्तव्यों के बाद लोगों को मिली सह। टोल फ्री करने को नहीं कोई प्रावधान। तोड़फोड़ करने के आरोप में 60 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। भाजपा सरकार के करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा बस्ताड़ा टोल को लेकर दिए बयान के बाद विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। टोल कंपनी के डीजीएम संजय माथुर ने सांसद की बयानबाजी को पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। दरअसल टोल टैक्स के मुद्दे पर एक के बाद एक नेता खुद को जनता का हितैषी साबित करने के लिए टोल फ्री करने का बयान दे रहे हैं। बीते रविवार को भाजपा सांसद अश्विनी चोपड़ा भी टोल प्लाजा पर पहुंचे और टोल अधिकारियों को कहा कि वे स्थानीय लोगों के लिए टोल फ्री रहने दें और जो व्यवस्था बीते 3.5 सालों से चल रही थी उसी के अनुसार टोल चलाएं। सांसद ने कहा कि वे इस टोल के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गडकरी से बात करेंगे, लिहाजा टोल कंपनी इस मुलाकात के बाद ही कोई आदेश लागू करे। पिछली बार जब मैं आया था मैंने फ्री करा दिया था इलाके को सारा। अब इन्होंने नए रूल्स के मुताबिक कहते हैं कि हम ऊपर से ऑर्डर आया और हम ये कर रहे हैं। मैं इन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है, मैंने इनको ये कहा है कि जब तक मैं और बात ना करके आऊँ तब तक आप जैसे पहले सिस्टम चल रहा था वैसे ही आप चलाओ। इनका ये कहना है कि हम अपने अधिकारियों को आपका मैसेज दे देंगे और फिर उसके बाद फैसला करेंगे। मैंने इनको ये कहा कि अगर आपने जल्दी फैसला नहीं किया तो फिर जनता को जनता के साथ मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये देखो मैं आपको याद है 3 साल पहले यहाँ पर हमें धरना देने के लिए सोचा था, तब हमने करवा दिया था। तो इन्होंने अब नए पता नहीं कैसे रूल मुझे दिखा रहे हैं। ये मैं अब इसको स्टडी करूंगा और मैंने अपने जो इस इलाके के लोग हैं उनको भी कहा मुझे ज्ञापन दीजिए आप, ताकि मैं ऊपर जाके एक बार फिर गडकरी जी से अब बात ऊपर गडकरी जी से ही होगी। एमपी साहब करनाल सांसद का एक दावा, करनाल सांसद का एक बयान है कि भी टोल नहीं लगने दिया जाएगा, टोल उखाड़ दिया जाएगा। पहले कोशिश तो की जाए कि हम सरकारी तौर पर सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे करें। पहले हम सरकार से बात करें, मंत्री जी से बात करेंगे और उनसे बात करने के बाद ही फिर अगला एक्शन। करनाल यू टर्न लेंगे टोल के मामले में, इस बात का यू टर्न है। एमपी साहब ने यह कहा था कि टोल को हम उखाड़ फेंकेंगे, ग्रोंडा की जनता को टोल नहीं दिया जाएगा। पहले मैं उनसे बात कर लूं उसके बाद ही मैं अगला। अगर नया नियम लागू हो जाता तो एमपी साहब का क्या कदम रहेगा? मुझे लगता है नया नियम को दिया उन्होंने पढ़ूंगा मैं। टोल फ्री क्यों नहीं? अगर नया नियम नहीं है तो एमपी का दावा कहाँ है? एमपी जो है वो जनता के साथ है। सोमवार को टोल पर हुई दिन दहाड़े गुंडागर्दी और तोड़फोड़ के बाद टोल कंपनी के अधिकारियों ने इस पूरी घटना के पीछे नेताओं की बयानबाजी को जिम्मेदार बताया। कंपनी के मुताबिक इस घटना से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है क्योंकि तोड़फोड़ में उनके उपकरण नष्ट हुए, साथ ही 1 घंटे से अधिक समय तक टोल फ्री रहा। टोल पर ही इस गुंडागर्दी से कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन चुका है। टोल अधिकारियों से मिली शिकायत व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों को नामजद करते हुए 60 अन्य उपद्रवियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आज टोल पे घटना ये हुई कि हमारी कुछ दिनों की मुहिम जो चल रही थी जिसमें हम लोग तो लोकल लोगों को समझा रहे थे और उनको बता भी रहे थे कि अपना अपना पास बना लीजिए। ट्रक्स को बता रहे थे कि जो भी आप जाएं यहाँ पर आप ओवरलोड भी कर रहे हैं, टोल भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने कुछ ट्रक्स को पकड़ा था पिछले 3-4 दिनों में, उनको नहीं जाने दिया। उस वजह से ये लोग भड़के और 3-4 दिन से आंदोलन भी कर रहे थे, हमारा टोल प्लाजा की भी अव्यवस्था बढ़ा रहे थे। कल भी ये लोग एमपी साहब को कोई लेकर आए और उन्होंने भी उनसे स्टेटमेंट दिलवाई कि टोल को फ्री करवाया जाए गवर्नमेंट के आदेशों के बिल्कुल अपोजिट, विच इज़ रॉन्ग। तो आज ये लोग सब भीड़ एकत्रित हुई और उन्होंने टोल प्लाजा में खूब ज़्यादा लूटपाट तो नहीं बोलेंगे, तोड़फोड़ काफ़ी करी। ठीक, तो आज का क्या विवाद है, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कहाँ से हुई, ये लोग इकट्ठे हो गए, इनकी ट्रक रोकी थी हम लोगों ने, ट्रक को नहीं जाने दिया क्योंकि वो बूम बैरियर तोड़ कर आई थी। वो बूम बैरियर तोड़ के आई थी, ट्रक रोका तो कई सारे लोग इकट्ठे हो गए, मौके की तलाश में थे शायद, और 100-150 लोग इकट्ठे होकर उन्होंने यहाँ पे प्लाजा में खूब तोड़फाड़ चालू कर दी। तो क्या नुकसान हुआ इससे? इससे नुकसान ये हुआ, 1-2 घंटे हमारा टोल प्लाजा फ्री चला, हमारे इक्विपमेंट को नुकसान हुआ, 2-4 लोगों के चोटें भी आई हैं जिसका हमने रिपोर्ट दर्ज करा दिया है लोकल पुलिस स्टेशन थाने में, और ये सब नुकसान हुआ है। बिसाइड्स
हमारे लोगों में जो लड़कियां भी यहाँ पे काम करती हैं, दहशत फैला दी है इन लोगों ने। तो जैसे एक दो घंटे का आप बता रहे हैं कि टोल फ्री रहा है, उससे क्या नुकसान रहा है सरकार को? दो घंटे का लगा लीजिए करीब 3-4 लाख रुपए का टोटल नुकसान, टोटल जो है नुकसान हुआ है। नुकसान रेवेन्यू लॉस का नहीं होता है साहब, आपको देखना पड़ता है कि हमारे जो टोल कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी जान माल का खतरा होता है, तो वो ज्यादा जरूरी है। कल सांसद जो है अश्विनी चोपड़ा यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि फर्दर जो डिसीजन तक कोई आप कार्रवाई नहीं। वो गलत स्टेटमेंट क्यों दे कर गए, मैं तो ये उनसे पूछना हूँ कि वो गलत स्टेटमेंट उनके समझाने के बजाय लोगों को कि आप जब तक डिसीजन नहीं आता आप टोल दे दीजिए, 3.5-4 साल से फ्री चल रहे हो, अभी टोल देना चालू कर दीजिए, जब तक डिसीजन नहीं आता उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हम लोग फ्री कराने की कोशिश करेंगे। राइटिंग में क्यों नहीं दे कर गए वो साहब, मेरे को तो ये बताइए, राइटिंग में दे दीजिए कि टोल फ्री करा दीजिए, राइटिंग में देने को कोई तैयार नहीं है। तो मतलब जी लगता है कहने का ये प्रकार से सांसद भड़की है? नहीं जरूर भड़की है, क्योंकि उनको पब्लिक को मिल गया कि हाँ हमको शह मिली हुई है, तो चलो हम लोग अभी कुछ करते हैं, हमको पास हमारे साथ कुछ नहीं होगा। तो जो लोग थे उनमें हमारी बात हुई, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जबरन वसूली करना चाहते हैं। नहीं जबरन क्या होता है साहब, हम आप ऑडिट करवा लीजिए, हमारा तो हर कितना तो ऑडिट होता है, NHAI ऑडिट करती है, हमारी खुद की एक्सटर्नल एजेंसीज ऑडिट करती हैं, हमारी खुद की इंटरनल एजेंसीज ऑडिट करती हैं। हम तो ना एक पैसा ना ज्यादा ले सकते हैं ना एक पैसा कम ले सकते हैं किसी से भी, जैसे ही अगर लेंगे इमीडिएटली ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाएगा।